أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में कुछ आमदेद मिस उजमा फ्रॉम गवर्नमेंट एफ जी डिग्री कॉलेज 1031 एम। डियर स्टूडेंट, मैथ के अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रेंसीशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसकी 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमने आज 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो दूसरा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री सेकेंड ईयर की फॉर्म पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो 2.2 एक्सरसाइज में जिस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए एक्स प्लस बी होल पावर एन एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। अब इसमें भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही अप्लाई करना है। क्या कहा गया है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अपने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टू वेरिएबल्स होते हैं डेरिवेटिव में, जो हम सपोज करते हैं लेट वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 गिवन है जैसे, तो इसमें वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन एक्स वेरिएबल। तो हमने वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करना है। इसमें हमने 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट्स अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग इंक्रीमेंट वाई वेरिएबल में डेल्टा वाई हो जाएगा और एक्स वेरिएबल में डेल्टा एक्स हो जाएगा। वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी होल पावर 3। तो ये बहुत इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ गई हैं। अब 1 और 2 का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 देन डेल्टा वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स होल क्यूब माइनस वाई है, तो वाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ए एक्स प्लस बी क्यूब। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए टू बी प्लस 3 ए बी टू। हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं ए क्यूब, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, और बी की वैल्यू क्या है, ए डेल्टा एक्स है। तो ए क्यूब प्लस 3 ए की 2 बी प्लस 3 ए बी की 2 प्लस बी क्यूब माइनस, ये एक्सप्रेशन वैसे ही हमने लिख दिया, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। नेक्स्ट में आप देखेंगे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो हमने कैंसिल कर दी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो गई हैं और जो बाकी टर्म्स बच गई हैं उनको हमने एज इट इज़ लिखा। अब इन टर्म्स में से आप देखें जो कॉमन आ रही थी वो डेल्टा एक्स कॉमन है, हमने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और डेल एक्स जब डेल एक्स से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी हमने उनको एज इट इज़ लिख देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है हमारे पास। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। जब हम डेल एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो गई हैं और जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है, वैल्यू हमारे पास 3 ए इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू बच गई, बाकी टर्म 0 हो गई हैं क्योंकि ये डेल एक्स है ये डेल एक्स है। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट बाकी एक्सप्रेशन देखिए जो हमें गिवन है और हमने उन पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसी तरह अप्लाई करना है। 2x प्लस 3 होल पावर 5 3t प्लस 2 माइनस 2। तो इसमें से हमको एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो पावर हाईएस्ट पावर आ रही है इसकी पावर है एक्सप्रेशन की 5। अब जब हम इस पे अपना अप्लाई करेंगे y लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5 है, इसमें हमने इंक्रीमेंट देना है y प्लस डेल्टा y 2 इंटू एक्स प्लस, सिर्फ इंक्रीमेंट हमने किस में देना है, ये है 2x। 2 जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल है इसका x का, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। ठीक है, जो हमने इंक्रीमेंट देना है ओनली x वेरिएबल में देना है, मल्टीप्लाइड फॉर्म जो भी होगी उसको हमने साइड पे कर देना है। 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 होल पावर 5। सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 3 होल पावर 5 माइनस वाई।
अब इसमें आप देखें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक हमने अपनी वैल्यू एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू हम एडजस्ट करते हैं, 2x प्लस 3 की वैल्यू प्लस 2 डेल x होल पावर 5 माइनस y की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 3 होल पावर 5, ठीक। इन दोनों को हमने, मतलब हम दोनों तरह से कर सकते हैं कि इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली है। अब फर्दर हम देखते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, होल पावर क्या आ रही है, 5। अब क्योंकि यहाँ पे जब 5 पावर आ जाएगी तो आप देखें कि इसके लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई कर देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला। क्योंकि बाइनोमियल का फ़ायदा हमें यही होता है कि ना, जैसे जैसे हमें हाईएस्ट पावर्स आती जाती हैं तो हम उस पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, n0 a की पावर n प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 b1 प्लस n2 a की पावर n माइनस 2 b2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारी क्या होती है, n b की पावर n। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अब हम देख लेते हैं। a है 2x प्लस 3, n0 n क्या है 5 0। अब a की पावर 5 आ गई, 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस n1 हमारे पास क्या है 5 1, a की पावर n माइनस 1। अब a की वैल्यू है 2x प्लस 3 होल पावर 4 आ गई प्लस b की पावर 1, b क्या है 2 डेल्टा x है प्लस n2 कॉम्बिनेशन, a की पावर n माइनस 2 आ जाएगी तो 3 बचेगा इन टू b की पावर 2 आ गई प्लस ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास जो आई है वो 2 डेल x होल पावर 5 माइनस जो एक्सप्रेशन था हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 5 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। आप स्टूडेंट देखिएगा इनमें से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो रही थी, फर्स्ट टर्म है 2x प्लस 3 की पावर 5 और ये थी लास्ट टर्म 2x प्लस 3 की पावर 5, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो टर्म्स थी उनको लिखते जाएंगे, 2 इंटू 5 1 कॉम्बिनेशन 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू डेल्टा x प्लस सेकेंड थी हमारे पास 4 इंटू 5 2 कॉम्बिनेशन 2x प्लस 3 की पावर 3 डेल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म थी 32 5 5 डेल x की पावर 4, ठीक है। अब मज़ीद इसकी हम सिंप्लीफिकेशन देखें कि अगर हो सकती है तो करते हैं, अदरवाइज इसमें से हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकते हैं, डेल एक्स एंड दिस इज़ डेल एक्स। डेल एक्स को कॉमन लेने के बाद जो टर्म बच जाएंगी उनको हमने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो आप देखें ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा और डेल एक्स की पावर 4 बच जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हैं उनमें जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा उस पर हम 0 अप्लाई करते जाएंगे और जो वैल्यू बचेगी वो है 2 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन 0 0 0। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो स्टूडेंट इस तरह से आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपने देखने हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जैसे पावर माइनस है अगर हमारे पास, लेट y इक्वल्स टू 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2 है, इसको अब हम सपोज कर लेते हैं कि पावर माइनस है, मेथड तो वही होगा कि 4 स्टेप्स अप्लाई होंगे, फर्स्ट टाइम में इंक्रीमेंट दिया 3 इंटू टी प्लस डेल्टा t, 3 इंटू टी प्लस डेल्टा t प्लस 2 की पावर माइनस 2, डेल y इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या है, 3t प्लस 2, क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक हमने कंबाइन कर दिया है 3t प्लस 2 को प्लस 3 डेल्टा टी होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें, अगर मैं इसको वैसे तो हम बाइनोमियल थ्योरम अभी तक अप्लाई करते आए हैं, लेकिन इसका इजीएस्ट मेथड मैंने आपको ये बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम को हम बाइनोमियल सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो किस तरह से, कि अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म वाली वैल्यू ए की वैल्यू कॉमन ले लूँ विद पावर 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी अपॉन 3t प्लस 2,
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई कि ए को हमने कॉमन ले लिया, वन प्लस जो बी की वैल्यू बनी है वो क्या आई है, थ्री डेल्टा टी अपॉन टी, थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस टू, माइनस जो एक्सप्रेशन था माइनस थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस टू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें आप देखिए कि बायनोमियल सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हमें अप्लाई करने में आसानी रहती है, ठीक है, हमें हाईएस्ट पावर की तरफ नहीं जाना पड़ता कि वन प्लस एन एक्स होता है प्लस एन टू कॉम्बिनेशन एक्स पर एंड सो ऑन, हम कर देते हैं और लास्ट में माइनस वन, क्योंकि एज अ होल में से जब हमने कॉमन लिया थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस टू, जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी टर्म्स क्या बन गई, वन प्लस थ्री डेल टी अपॉन थ्री टी प्लस टू होल पावर माइनस टू एंड माइनस वन। अब इसमें से वन वन से कैंसिल हो जाएगा, अब वन वन से कैंसिल होने के बाद आप देखें कि हमने जो बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई की थी माइनस टू पे वन प्लस एन एक्स, एक्स की वैल्यू थी थ्री डेल्टा टी अपॉन थ्री टी प्लस टू, प्लस एन टू कॉम्बिनेशन था थ्री एक्स का स्क्वायर था थ्री डेल्टा टी अपॉन थ्री टी प्लस टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे और ये सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाई थी, माइनस सिक्स आ गया, ठीक है, यहाँ से n n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस टू और माइनस थ्री माइनस सिक्स आ जाएगा, इसमें हम कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर दें, अदरवाइज इन टर्म्स को वैसे ही हम लिख सकते हैं और एक्सपेंड ना भी करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ जहाँ देखें डेल्टा इन्वॉल्व होता है, जहाँ जहाँ डेल्टा की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो अपने टाइम को बचाने के लिए हम इसको n टू कॉम्बिनेशन को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। वन वन से कैंसिल हो गया, अब ये हमारे पास जो वैल्यू बच गई है ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसमें हमने कॉमन जो टर्म्स आ रही हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रही है जी थ्री आ रहा है एक तो कॉमन, और डेल्टा टी को हम ले सकते हैं अपॉन थ्री टी प्लस टू को ले सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू बच जाएगी माइनस टू प्लस थ्री इंटू थ्री डेल्टा टी अपॉन थ्री टी प्लस टू होल स्क्वायर, स्क्वायर को क्योंकि हमने कॉमन ले लिया ना वन टाइम तो ये ख़त्म हो जाएगा, वन बच जाएगी प्लस सो ऑन, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी से डिवाइड किया तो थ्री इंटू थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस टू माइनस वन, ये देखिए ना इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया माइनस टू माइनस वन आ गई इसकी वैल्यू, माइनस टू थी ये वैल्यू हमारे पास, माइनस टू है माइनस टू और ये माइनस वन, तो ये कितनी होगी हमारे पास माइनस थ्री हो जाएगी, माइनस टू प्लस थ्री डेल्टा टी अपॉन थ्री टी प्लस टू, ठीक है, ये हमारे पास है इसकी वैल्यू पावर टू। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, जब हम डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच जाएगी, थ्री टी को जब हम ज़ीरो के इक्वल डेल्टा टी को टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो ओनली माइनस टू, माइनस टू बचा माइनस सिक्स इन टू थ्री टी प्लस टू और पावर थ्री माइनस थ्री, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स आपने करने हैं, खुद ही दो टू पार्ट्स रह गए हैं जो आपके लिए असाइनमेंट हैं, मैं कल चेक करूँगी इंशाल्लाह, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें हमने क्या किया था मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो न्यू एक्सप्रेशन हमने जो है वो यूज़ किया है और उसके लिए वही डिफ्रेंसिएशन के फोर स्टेप मेथड अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। दूसरे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जो हमने पावर फार्मूला किया था, अगर हम पावर फार्मूले की मदद से इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं। पावर फार्मूला हमारे पास क्या था कि एक्स की पावर एम हो तो पावर पावर में से एक कम डेरिवेटिव हो जाता है, पावर पावर में से एक कम, इस तरह से आप चेक कर सकती हैं। सो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। ओके, हाफिज़।